सर जीत खातिर हमरा तरफ से हार्दिक बधाई बा। रुआ दोसरका बार जीतल बनी, ए पर का कहे के चाहतनी? हम कहे के ये चाहतनी कि जनता के वोटर के धन्यवाद देतनी, नमस्कार प्रणाम आदाब करतनी कि सब लोग एकदम सब काम धंधा बंद कर के आ 15-20 दिन एक महीने से लागल रहला, वही के रिजल्ट में फल मिलल है। हम अपना जनता के अपना वोटर के बार बार धन्यवाद देतनी। सर विधायक के पहले रुआ पंचायत क्षेत्र में रहनी, कब से पंचायत में मुखिया रहनी? पंचायत के मुखिया हम रहनी 78 से। 78 से लगातार बनी? ना, 78 के बाद 22 साल इलेक्शन है ना भाई जी, किस उसमें फंस गए मामला जी, ओकरा बाद में नहीं फिर पंचायत के इलेक्शन भाई जी, तो हम लड़ा नहीं जी, तो फिर मुखिया भाई नहीं, ओकरा बाद में नहीं महिला रिजर्व हो गई, तो दो टर्म मैंने 10 साल हमारे पत्नी रही है जी, तो फिर जनरल हो गई जी, तो अभी हमार लड़का बारे मुखिया। अच्छा सर, ये जो दूसरका बार हुआ जीतल बनी, ऐसे जनता के का अथी विकास करे का अथी करबे के बारे में कुछ बताए? जनता के जो बाकी साकी काम बा जी, जनता का चाहिए, जनता यह ना चाहती है कि हमार रोड ठीक रहे, हमार रास्ता घाट ठीक रहे जी, आवे जाए के कोनो दिक्कत ना होके, गली खोची नाला फाला ये सब बढ़िया से बन जा, जनता के ऐसे ना मतलब बा। और तो बात शिक्षा वगैरह तो हम बहुत था काम सोचले, इंजीनियरिंग कॉलेज बनवावे के, मेडिकल कॉलेज खोले के, खेल मैदान बनवावे के, आ जो बेकार लड़का लो बा ओकरा रोजी रोटी के हम कोनो बात भी कोई हर जगह कहले रहनी है, बाकी तो हमने कही बेईमानी करके सरकार गड़बड़ा दिले सब 12-15 सीट पर जीतल कैंडिडेट के सर्टिफिकेट ना देके हारल कैंडिडेट के सर्टिफिकेट दे दिले बा। नीतीश कुमार एजा के सरकार और दिल्ली के सरकार मिल के दबाव बना के अधिकारी के जीतल कैंडिडेट के बैठा के जे अलाउंस भी भ गई जे फलाना इतना वोट से जीत गए, आवत में कहा था ना फिर काउंटिंग भैल तो अरे वह 10-12-20 से हार गई बनी, जबरदस्ती कैल बा तो सरकार तो हमने के बनते रह, जब से मीडिया आला आ सर वाला लोग बता दिहल कि महागठबंधन के सरकार बने जाता, कोई 135 बतावल, कोई 180 तक ले बतावल, वही दिने से ओकनी के ठंडा गए लागल सन, हमने के लोग ए पर ज्यादा पत्थर ना कोई लगला के बाद अपन सेटिंग करके दिल्ली से यहाँ ले अधिकारी पर दबाव बनवा के करीब करीब 15-20 को वोट पर बूथ पर कैंडिडेट के अलाउंस भैया प्रमाण पत्र ना मिले उन्हें चल गए। सर बीतल जो 5 साल बा उमें रुआ कौन कौन विकास का काम के लिए बनी? ए बारा बीतल तक काम बात है, बिजली के प्लांट लेकर लगवा दिल बनी, रुरा बगल में रहो जानता नहीं कि उसे 9-10 ब्लॉक के बिजली मिलता 24 घंटा, आ प्लांट में कहीं सिवान के प्लांट फेल करी तो पूरा जिला के कवर करी। रोड के बारे में सर? रोड के बारे में तो एक आधुगो रोड कहीं छूटल हो, एगो रोड हमारा देखे में छूटल बा, टारी से नेवारी होके गभीरा वो बनल रोड है, ए मार के रोड बनेला जो मरम्मत होला, एगो बा वो टेंडर न तो रघुनाथपुर में एगो रोड नहीं के, आ 85 रोड पास हो गई बा, टेंडर हो गई बा, ठेकेदार भी तय हो गई बा जे कौन रोड केकरा मिलल बा, वही में शिलान्यास होत रहला, तब विपक्षी लोग कहता ला कि नहीं वोट लेबा खातिर करता रहे, अब एक हफ्ता का बाद देखियो मैं सब 85 में किछ लोग में तो 20-25 में काम लागल बा, 20 और 85 में काम लागी, आ वो यही एगो रोड ने के तो नीटा कर भई लोग के ऊपर पिच ना भई लोग के PCC ना भई लोग के जितना बाचल रहला वो किस कागती गड़बड़ी से वो छूट गए रहला रोड, तो बहुत में लाग के हम करौनी हार तले कोरोना के बीमारी आ गई तले आचार संहिता लग गई, ऐसे वो वंचित हो गए रहला, अब सारा रोड
बन के कम्प्लीट हो जाए। रोड के तो काम चक्का चक्के हो गए बा, कहीं कब स्थान घेराबंदी भैल बा हमारा फंड से जो मिले ला विधायक लोग के, कहीं छठ घाट बनल बा, कहीं चौतरा निर्माण बनल बा, कहीं कहीं गांव में पीसीसी भैल बा। सर रेफरल अस्पताल रघुनाथपुर के बारे में का सोच रखले बनी? रेफरल हॉस्पिटल के ओमे ज्यादा खर्चा बा, उ सरकार के जेकर भी सरकार हो के उ सरकार के जिम्मेवारी बा। हमें खाली ना चार हाली क्वेश्चन कैले बनी, चार हाली क्वेश्चन कैले बनी और क्वेश्चन के देखी करके मंगल पांडे जी कहले हम लिखले रहनी कि जे हॉस्पिटल के रेफरल हॉस्पिटल के रघुनाथपुर के छत चपकेला, रोगी जा तो बारिश हो या पानी ओकरा देह पर टपकी तो रोगी के क्या हालत हो, आ बरसात के दिन में पानी लगेला सेवन बा पानी में रोगी के कौन गले जाइए हॉस्पिटल तो एक व्यवस्था कर जाए। तो मंगल पांडे जवाब दिया जब हॉस्पिटल तुरले लायक नहीं है आप पानी लगता है तो उसको भी हम लोग व्यवस्था करेंगे। हम कहानी जब मंत्री जी बढ़िया से कम अप्लीकेशनवा पढ़िए ना जो हम उसमें क्या लिखे हैं, तुमने के लिए थोड़े लिखे हैं, हम लिखे हैं कि ये छत हो गया पुराना उसको दुमैची तुरवा के महिका गिट्टी से डलवा के प्लस्तर करवा दीजिए जो पानी ना नीचे टपके, हम तुमने के लिए थोड़े बोले हैं। और वही स्वास्थ्य मंत्री जब ठेवन पर पानी लगा रहा तो यही रोड से घूम रहा है गुजरत रहा रघुनाथपुर रेफरल हॉस्पिटल के गेट से। सर हुसैनगंज भी भैया के लोग ठड़ा रहे 150 कहल कि सर तनि उतर के देख ली, तो स्वास्थ्य मंत्री उतरबो न कैले उन्हें तकबो न कैले उनकर गाड़ी उठा के आग उतर के गाड़ी से तब सिक्योरिटी रहला हटा दिला सा आ कि मूद के बेचारू तकबो न कैले। सरकार के का भरोसा रख तन जे का करी का न करी का पूछतरिया हुसैनगंज के पूछ। सर हुसैनगंज के जनता के सुख खातिर का रेफरल अस्पताल बन सकेला सोच रखले बनी? कोशिश कर कोशिश कर रेफरल हॉस्पिटल तो बने के चाहिए भैया, रघुनाथपुर में बनल बता हुसैनगंज में भी बने के चाहिए। अब हमने के सरकार देखिए तो भूचाल लिया दिहल बेमानी कह के अगर जन नीतीश के सरकार भैया अधिकारी लोग के दबाव बना के रखे ले विपक्षी लोग के बात नहीं के सुने के थानदार किया ऐसा घटिया सरकार तो हम देखबे ना कोई नहीं। बी डी ओ किया सी ओ किया जो लोग के बात नहीं के सुने के उन्हें दलाल रख ला थाना पर बी डी ओ किया ऑफिस पर पैसा उगाही कर। सर रघुनाथपुर आ हुसैनगंज इमें का विकास के मने सोच रख ले बनी एथी में? अरे महाराज सोच तो यही रख ले बनी कि रोड नाला स्कूल ये जहाँ जहाँ नहीं कहा करा के बनावे के बाद हम टूटल पर करा के मरम्मत करावे के बाद ये रख ले बनी। हम स्कूलों में तो पैसा दे ले बनी हुसैनगंज में जमा लाता देखनी दू गो रूम ढोस गो रूम बनवा तनी एगो डिग्री कॉलेज बवे पजुआर में ओमे पैसा दे ले बनी दू रूम के आदमापुर में डिग्री कॉलेज में नया खोलने वाले ओमे दे ले बनी दू कमरा के हर जगह शिक्षो में हम पैसा दे ले बनी। सर का शुभ नाम हरिशंकर यादव। एगो और बात बताओ तब कह दी कौन इलेक्शन नहीं आ रहा तो खाली मुखिए आ विधायक नहीं आ रहा पहले जानी जे कौन कौन चीज में जीतल बनी। तीन बार बाजार समिति के हम रहनी, हम बाजार समिति के चेयरमैन भी रहल बनी शाहबुद्दीन साहब के समय में हमरा के वजह से गवर्नर के मुख्यमंत्री के दस्तखत से होला एमे 12-13 आदमी नगर के होला लोग बनिया लोग कुछ लोग होगा व्यवसायी लोग मारवा के भी होला लोग आ किसी क्षेत्र के दू हाली चुनाव लड़नी किसी बाजार समिति में तो हमें जीतनी वो बा हमने के ओकर क्षेत्र बा पूरा रघुनाथपुर ब्लॉक आ 5 गो पंचायत बावे अंदर के ये मिला के एगो क्षेत्र बा वहाँ के तो दू बार जीतनी आ एक बार निर्विरोध बनी तो हम चेयरमैन भी शाहबुद्दीन साहब के मर्जी से बननी 4 साल चेयरमैन भी रहनी तले हमने के सरकार चल गई नीतीश जी अले तो अरबो रुपया लेके सब बिहार के बाजार समिति के खत्म कर दिहल सुशील कुमार मोदी। और अभी तक ले हम फेक्स के अध्यक्ष बनी
आज 20 साल से दू हाली लड़ाई भइल, निर्विरोधो भइल, 20 साल से लगातार अभी ले फैक्स का अध्यक्ष बानी। तब तो ई कहल जा सकेला सर कि रुआ राजनीति में हनुमान के तरह बानी। हनुमान के तरह कहीं चाहे कौनो तरह कहीं, आज तक ले छोट इलेक्शन होके चाहे बड़े इलेक्शन होके, आज तक ले कौनो इलेक्शन लड़ल बानी तो इतिहास बन जाए हमको बाहर ले।